हरियाणा के रानीला स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र में निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज का मंगल प्रवेश हुआ, जहां स्थानीय गुरु भक्तों ने आचार्य संघ की भव्य अगवानी की। परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज का मंगल प्रवेश 19 फरवरी को हरियाणा के रानीला स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र में हुआ। स्थानीय गुरु भक्तों ने आचार्य संघ की अगवानी करते हुए नगर में प्रवेश करवाया। दादी सती आश्रम सांझरवास से शुरू हुए विहार के बाद आचार्य श्री का अतिशय क्षेत्र में मंगल प्रवेश हुआ, जहां गुरु भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का स्वागत सत्कार किया। नगर में प्रवेश के बाद आचार्य श्री ने प्रभु के दर्शन किए और उसके बाद मंगल प्रवचन के साथ भक्तों को संबोधित किया। आचार्य श्री ने जैन धर्म ध्वजा से संबंधित ज्ञान भक्तों को दिया। ये जो पावन ध्वज है, भगवान ऋषभदेव के समय से ही पांच वर्ण के ध्वज बताया। ये पांच परमेष्टि के प्रतीक हैं और 24 तीर्थंकरों के प्रतीक है। कितने तीर्थंकरों के? इसमें 24 तीर्थंकर पांच वर्ण के। कितने वर्ण के? हमारे शरीर में भी पांच वर्ण है। आंख है, देखो काले है ना आंख, समझ गए ना? बाल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बाल सफेद भी हो जाता है, आंख सफेद नहीं होता है, समझ गए ना? हड्डी कैसे है? सफेद है, समझ गए ना? और पित्त पीला है, नसें नीले हैं और रक्त लाल है, हड्डी सफेद है। तो ये सारे पांचों कलर जो हैं शरीर में विराजमान है। गुरुवर के प्रवचन के बाद स्थानीय क्षेत्र की कमेटी के पदाधिकारियों ने आगामी 24 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम भव्य दृष्टि से मनाए जाएंगे, जिसमें हजारों तीर्थयात्री इसमें हिस्सा लेंगे। मैं तीर्थ क्षेत्र की ओर से सभी धर्मानुरोगी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि इन कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होकर धर्म का लाभ उठाएं। 24, 25, 26 तीन दिन हमारे कार्यक्रम हैं। 24 तारीख शुक्रवार को हमारे कार्यक्रम 8 बजे शुरू होंगे और 25 को 6:30 बजे और एतवार को 6:30 बजे। इसलिए आपको सभी कार्यक्रम में सम्मिलित होने हैं और आचार्य जी का सन्नेह यहाँ हमारे साथ आपके साथ रहेगा। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आदरणीय सम्मिलित करते हैं कि इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धन्य दीजिए। गुरुवर की अनुमोदना करते हुए गुरु भक्तों ने आगामी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गुरुवर को श्रीफल अर्पित करते हुए आयोजन में पूर्ण सहयोग देने के लिए संकल्प लिया। जैन फोकस के लिए रानीला हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट।